नीनास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले चीज फिंगर्स। चीज फिंगर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ 7-8 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब ब्रेड के साइड को हम काट लेंगे। आप इस स्नैक को चाय के साथ ले सकते हैं, या फिर कभी कभी अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो आप इस रेसिपी को 5 मिनट में बना सकते हैं और आप देखिएगा ये झटपट चीज फिंगर्स आपके गेस्ट को जरूर पसंद आएगी। अब हम मोजरेला चीज लेंगे और 1/2 इंच मोटे और 3 इंच लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो कोई और भी चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन मोजरेला चीज यूज करने से ये काफी स्ट्रेची होता है। फिर चीज पर 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स भुरकेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर ब्रेड की स्लाइसेस को पानी में डिप करके हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे। और उसके बीच चीज स्लाइस को रखकर अच्छी तरह से कवर कर देंगे। ध्यान रखें, ब्रेड को ज्यादा देर तक पानी में डिप ना करिएगा, नहीं तो ब्रेड ज्यादा नरम हो जाएंगे और चीज फिंगर ठीक से नहीं बन पाएंगे। अब हम गरम तेल में चीज फिंगर को तल लेंगे। मैंने यहाँ पहले से तेल को गरम कर रखा था और तलते समय आंच को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। चीज फिंगर को हम सुनहरा होने तक तलेंगे। ये सुनहरा हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो लीजिए, चीज फिंगर्स तैयार है। देखिए ये कितना चीजी और स्ट्रेची लग रहा है। आप इसे टोमेटो सॉस या चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप इस चीज फिंगर्स की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। देखना, ये आपकी फैमिली को जरूर पसंद आएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।